हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। ये भक्ति वृक्ष की पुस्तक है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे और ये फेसबुक के लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जो लोग और कहीं स्थान पे हैं, जिनको ट्रेनिंग नहीं प्राप्त हो पाती है भक्ति वृक्ष की, वो भी इसको प्राप्त करके अपने स्थान पे भक्ति वृक्ष का प्रचार कर सकें। सो हम लोग शुरू करेंगे शिष्टाचार से। दशरथ प्रभु, आप पढ़ना शुरू कीजिए। इसमें वैसे तो इस वीडियो में नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सब लोग भक्त लोग गोलाकार होकर बैठे हैं ताकि सब कोई एक दूसरे को देख सकें, तो उसमें वो पढ़ेंगे और आप उसको स्क्रॉल कीजिएगा। यस। गोलाकार होकर बैठना से भक्तों को आपस में विचार विनिमय में आसानी होती है। हमें चाहिए कि किसी को भी पीछे ना बैठने दे, जिससे वह समूह से पृथक सा हो जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब व्यक्ति पीछे बैठ जाता है ना छुप करके, तो अपने विचारों को भी छुपा के बैठ जाता है। आपने महसूस किया है? आप कभी लोगों को क्लास दीजिए, जिन लोगों को क्लास में बैठे हैं क्योंकि जबरदस्ती बैठना है, तो आपके विचारों को स्वीकार नहीं करते। सुन रहे हैं क्लास, लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते उस क्लास में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे सर्कल में बैठते हैं तो हर व्यक्ति छुपता नहीं, ना विचारों की दृष्टि से और ना वो फिजिकली, क्योंकि उस वो इन्वॉल्व होगा उस डिस्कशन में। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी चीज़ों में हम जब तक इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तब तक हमारे हृदय में जाती नहीं बात। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो, और ये सारे डिस्कशन इसी प्रकार से हैं ताकि लोग कृष्ण भावना में इन्वॉल्व हो सकें। ठीक है, और यहाँ पे शिष्टाचार बताया जा रहे हैं। भक्तों को प्रभु जी व माता जी कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? पढ़िए। हम भक्ति वृक्ष में सभी पुरुषों को, चाहे वे किसी भी उम्र के हों, प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, जिनका अर्थ है कि वह हमारे स्वामी हैं। भगवान के भक्त होने के नाते यह सम्मान सूचक संबोधन उनके लिए है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वैष्णवों के समाज में सदाचार बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सम्मान देने का जो भावना है वो हमेशा रहनी चाहिए, और जितनी भावना रहेगी उतनी वैष्णवता हमारे हृदय में आएगी। एक जगह आचार्य बोलते हैं कि मैं वैष्णव हूँ ये बुद्धि हो गई तो फिर वैष्णवता खत्म हो जाती, क्योंकि फिर मैं दूसरों को सम्मान नहीं दूंगा। मैं वैष्णव हूँ, दूसरों को मैं सम्मान नहीं दूंगा, तो इसलिए ये इसे बचना चाहिए। और जब हम प्रभु कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो भक्त हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ये भी सोचना चाहिए कि जब हमें कोई प्रभु कह रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पर स्वामित्व उसको प्राप्त है। गोस्वामी और प्रभु में कोई अंतर नहीं, प्रभु मतलब है जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह संयम में रखा हुआ है। तो भले हम बड़े खुश हो जाएं कि अरे हमको प्रभु बोल रहा है, लेकिन योग्यता बहुत बड़ी है। भक्ति वृक्ष में अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी महिलाओं को माता जी संबोधित करते हैं, चाहे वे किसी भी उम्र की हो। यह संबोधन एक सम्मान की भावना को जगाता है। वेदों में भी कहा गया है कि पत्नी के अतिरिक्त सभी महिलाओं को मातृतुल्य मानना चाहिए। ये कौन सी माताएं हैं? 6-7 माताएं बोलिए। आप बोलिए अगर आपको याद है। गुरु माता, राजपत्नी माता, हाँ, अपनी माता, हाँ, गौ माता, हाँ, धात्री, ओके, हाँ, ब्राह्मण पत्नी और पृथ्वी माता। तो इन सबको माता मानना चाहिए। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि मातृवत पारदारेशु लोष्ट्रवत, क्षमा कीजिएगा, हाँ सही है, लोष्ट्रवत पर द्रव्येशु, पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत। जो व्यक्ति दूसरे के धन को एकदम कूड़े के समान मानता है और दूसरे की पत्नी को माँ के समान मानता है, वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि एजुकेशन इज जो है वाकई कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए है, और आजकल कलयुग में आप देखेंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए नहीं है, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और लोगों ने ये सोच लिया कि अगर व्यक्ति धनी है तो व्यक्ति कैरेक्टर का भी अच्छा होगा। ये श्रीमद् भागवत में बात आती है कि लोगों का स्टैंडर्ड सिंबल क्या होगा, कितना धन है उनके पास, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि संबोधन के द्वारा व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। परिचय, आइस ब्रेकर। ये आइस ब्रेकर हर पाठ में मिलेगा, और आइस ब्रेकर का अर्थ क्या होता है हमें समझ में आना चाहिए। कोई व्यक्ति नया आया है तो क्या बात की जाए उससे, समझते हैं इसका आइस ब्रेकर। जनरली लोग पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो इसमें भी है, हम उसको अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो नाम सबको जानते हैं, लेकिन सबको नाम पूछा जाए आप कहाँ से आए हैं।
और फिर पूछा जाता है कि आप कितना कहाँ तक पढ़ाई करो, कितने नंबर आए, तो इस तरह से लोग आइस ब्रेक करते हैं और लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत गुहे बात है जो शायद आपने नोटिस नहीं करी है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो गुणों का आदान प्रदान होता है। बहुत सतर्क रहना चाहिए बात में, किसी से हम बातचीत कर रहे हैं स्पेशली हृदय को खोलने वाली बात कर रहे हैं तो गुणों का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए सच्चा प्रचार जो है वो वही है जब आप सामने लोगों को बैठ करके प्रीचिंग कर रहे हैं। इस फेसबुक के माध्यम से कितना प्रचार होगा ये हम नहीं समझते, कुछ ज्ञान जरूर मिल सकता है लेकिन लोग प्रभावित तभी होते हैं जब सामने कोई को प्रीचिंग करे, सही में प्रभावित होते हैं इस प्रकार से। और इसी प्रकार से आप देखेंगे पहले गुरु शिष्य परंपरा में सामने बैठ करके शिक्षा दी जाती थी। तो इसलिए आवश्यक है किस तरह से बहुत सारे भक्ति वृक्ष बने, सर्कल्स बने, ताकि लोगों को पर्सनल टीचर्स मिल सकें कृष्ण भावना के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हम सबको सीखने को मिलेंगी। पहला चीज़ तो यही, आप श्रील प्रभुपाद के बारे में क्या जानते हैं, तो प्रभु जी को पढ़ेंगे हम लोग नोटिस करेंगे श्रील प्रभुपाद के बारे में। श्रील प्रभुपाद का जन्म 1896 में टॉलीगंज कलकत्ता में हुआ था। उनका निवास राधा गोविंद मंदिर के निकट महात्मा गांधी रोड पर था। उनकी उच्च शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई थी, जहां सुभाष चंद्र बोस उनके सहपाठी थे। 1944 में भागवत दर्शन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। उनके गुरु का आदेश था कि पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में सनातन धर्म का प्रचार किया जाए, और अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य कर 70 वर्ष की आयु में उन्होंने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया तथा अंग्रेजी में पुस्तकों का प्रकाशन कराया। उन्होंने 60 पुस्तकें लिखी, शताधिक केंद्रों की स्थापना की, जिनमें आश्रम, विद्यालय, मंदिर, संस्थाएं व कृषि समुदाय हैं। उन्होंने 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। 1977 में वृंदावन में उन्होंने शरीर का त्याग किया। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जो प्रभुपाद जी के बारे में आपने अपने आज सुना है, कुछ हर भक्त बताइए कि आपको एक पॉइंट क्या अच्छा लगा प्रभुपाद जी के बारे में इन सब वर्णन के द्वारा। उनमें करुणा का बहुत बड़ा गुण था, कर्म का बहुत करुणा 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 अच्छा करुणा का बहुत बड़ा गुण था, ठीक है ओके। लेकिन क्या प्रमाण है कि करुणा का गुण था? क्योंकि 66 वर्ष की अवस्था में कोई भी व्यक्ति जब अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, और वृंदावन धाम में वो रह रहे थे, राधा दामोदर मंदिर में प्रसाद मिल चुका था, सम्मान मिल चुका था, और फिर भी 66 वर्ष की अवस्था में मालवाहक जहाज से समुद्र पार करके उन हिप्पी लोगों को प्रचार करना जो बिल्कुल ज्ञान से हीन थे, पतित थे, यहाँ तक कि वो उनका सम्मान भी नहीं करते थे, प्रसाद खाते थे और वो थाली भी वहीं छोड़ के चले जाते थे, और उन लोगों को मात्र पितृतुल्य जो है प्रचार किया, तो ये उनकी करुणा को ही दर्शाता है। एक इंटरेस्टिंग है कि उनको ये पता भी नहीं था कि हिप्पी होते क्या हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जब वो जा रहे थे तो उनको पता नहीं था कि हिप्पी के होते हैं ना, कैसे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक था वो। आपको क्या अच्छा लगा प्रभुपाद के बारे में? उन्होंने अपने गुरु भक्ति सरस्वती ठाकुर की जो इच्छा थी उसको एकदम अच्छे से पूरा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु की बात पे पूरी तरह से विश्वास, और इतना विश्वास कि ये भी सोच नहीं रहे थे कि हम मरेंगे, जिएंगे, सफल होंगे, असफल होंगे, पूरी तरह से इस बात से वो भी रखते थे। आपको क्या अच्छा लगता है? बेसिकली प्रभुपाद जी के बारे में, जैसे उनका नाम था अभय चरण, तो अपने नाम की तरह ही लाइक एकदम फियरलेस होके वो बाहर देश में गए। उनके पास कोई सोर्स नहीं, कोई 40 रुपये जेब में, और वो कहते जैसे अगर मैं भी कहीं जाता तो पता करता हूँ यहाँ बाथरूम है कि नहीं, हर चीज़ को पहले से सारी व्यवस्था करके जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बिना फियरलेस, वो टोटली फियरलेस एंड इवेंट एंड डिड सो मच। प्रभुपाद जी से एक बार समझा रहे थे, कह रहे थे कि एक बार मैं जब छोटा था तो कलकत्ता में कोई बहुत बड़ा ऊंचा मीनार थी, इस पर चढ़ गया था। तो भक्तों ने बोला, प्रभुपाद उस समय आप बड़े निर्भय थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, उस समय क्या, मैं इस समय भी बहुत निर्भय हूँ, नहीं तो मैं कैसे आता यहाँ पे अमेरिका में कुछ बिना पैसे के। आपको क्या अच्छा लगा प्रभुपाद के बारे में? आप बोलिए मदन मोहन प्रभु, कुछ नहीं बोलिए, माइक पे बोलिए। सबसे अच्छा लगा कि प्रभुपाद ने कम समय में इतने ग्रंथों का लेखन किया। यस, काफी इंटरेस्टिंग है कि अभी हम लोग इसको लिख रहे थे भक्ति वृक्ष को, उसमें भी 2 भक्त लगे टाइप करने के लिए, जो कि लिखा हुआ था सब कुछ, कितना मैनेज करना पड़ता है, छोटे से व्यवस्था करने में कितनी लगता है, और सारे शास्त्रों को समझना और ऐसे समझाना कि हम लोग समझ सकें, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, ट्रांसलेशन करना अपने आप में मुश्किल है, संस्कृत के भाव को इंग्लिश में प्रस्तुत करना और फिर ऐसे प्रस्तुत करना कि हम लोग समझ सकें,
ये और भी मुश्किल है। यानी हम कितना समझ सकते हैं, आगे 10,000 साल में लोग कितना समझ पाएंगे, कितना कम समझ पाएंगे, वो सब सोच करके प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बुद्धिमत्ता से लिखा है, और इसीलिए लोगों के हृदय को बहुत स्पर्श करती हैं। और उनके पुस्तकों से केवल इंस्पायर ही नहीं होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। आपने देखा होगा कि इंस्पिरेशन तो बहुत सारी किताबों से मिल सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम मिलता है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तकें, सामान्य पुस्तकें नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है? प्रभुपाद का गुरु महाराज भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर उनको बोले थे कि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप बुक प्रिंटिंग का वितरण करना। तो प्रभुपाद उनका गुरु महाराज का बात को ध्यान रखकर उनके पास उनका बिजनेस को और फैमिली को भी इम्पोर्टेंट नहीं दिए, बुक प्रिंटिंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिए थे। yes. तो जो भी पैसा होता था वो बुक प्रिंटिंग में लगा देते थे। इतनी हालत ख़राब थी कि खाने के पैसे नहीं थे तो वो फिर भी वो प्रिंटिंग के लिए दिया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी के हृदय में इस ज्ञान को दूसरों को देना कि कितनी बड़ी मतलब प्रबल इच्छा थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस भाव को हमें भी स्वीकार करना चाहिए और भगवत ज्ञान को दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए किसी भी तरह से। आपको क्या अच्छा लगा? विदेशों में बहुत लोगों ने प्रचार किया है लेकिन प्रभुपाद जैसा सक्सेसफुल कोई नहीं हुआ। विदेशों में किसी ने प्रचार नहीं किया है पर प्रभुपाद जी को ही सफलता प्राप्त हुई है। आपने थोड़ा ठीक नहीं बोला, कोई भी सफल नहीं हुआ, गए सब, सफल कोई नहीं हुआ। प्रचार किया मतलब ये नहीं कि हम चले गए और प्रचार करके आए, केवल जाना प्रचार नहीं होता है, बल्कि वो हाथ खड़े करके आए कि कुछ नहीं हो सकता है। आप ठीक है? मंगलाचरण, प्रभुपाद प्रणाम। नमो ओम विष्णुपादाय, बोलिए। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। अनंत कृष्ण प्रभु पढ़िए अनुवाद। अनुवाद, मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है क्योंकि उन्होंने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कृष्ण को अत्यंत प्रिय क्यों है प्रभुपाद जी? आपको उत्तर देना है तो माइक पे बोलिएगा। यस, अपने गुरु महाराज और भगवान का चरण कमलों की शरण ले रखी है। और भगवान के चरण कमलों की शरण का अर्थ क्या है? उनकी बातों को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना। शुद्ध भक्त हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाह्य दृष्टि से कोई व्यक्ति और सक्सेसफुल हो सकता है और अधिक सफलता मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि कृष्ण अगर मुस्करा दिए आपके भक्ति से, बस हो गया। सारा प्रयास, अनंत जन्म का जो भी प्रयास, बस यही है कि कृष्ण मुस्कराएं। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से वापस द्वारका जा रहे होते हैं तो माता कुंती प्रार्थना करती हैं, तो भगवान मुस्कराते हैं उनको प्रार्थना को सुन करके और फिर रुक भी जाते हैं। तो ये एक बड़ा अद्भुत है कि हमारी सेवाओं का लाभ है कृष्ण की प्रसन्नता, और कृष्ण प्रसन्न होकर क्या करेंगे? और सेवा देंगे। जनरली जगत में सेवा के बदले में हम कुछ धन चाहते हैं, उसके बाद हमारी इंद्रिय तृप्ति हमें मिल जाती है। लेकिन यानी कि वस्तुतः इस जगत में हम सेवा कर रहे हैं किसी की भी नहीं, अपनी इंद्रियों की, अगर हम पैसे के बदले में कुछ करते हैं तो। लेकिन अगर भगवान की हम सेवा कर रहे हैं तो वस्तुतः और शुद्ध भाव से करने से प्रभुपाद जी ने किया, और बिना किसी सफलता की अपेक्षा के भी। उनको ये भी पता नहीं था कि वो मृत्यु हो जाएगी। जैसे देखिए ना, जब उनको हार्ट अटैक पड़ा था तो क्या व्यक्ति सोचेगा, अरे भाई चलो वापस चलता हूँ, वापस चलता हूँ। लेकिन नहीं। और जितना विश्वास हम लोगों को है कि वृंदावन में शरीर त्यागने से भगवान धाम की प्राप्ति होती है, उससे कहीं अधिक ज़्यादा विश्वास श्रद्धा प्रभुपाद जी को है, तथा फिर भी उसको छोड़ करके हो गए। ये हम लोग सोच भी नहीं सकते एक्चुअली इस चीज़ को। तो ये भगवान को कितना प्रिय है ये भी हम नहीं समझ सकते। और प्रभुपाद, आज मैं उनका लेक्चर सुन रहा था तो बड़ा अच्छा था, एग्जांपल दे रहे थे प्रभुपाद कि जैसे यहाँ पे एक सॉकेट है तो उसमें करंट आ रहा है, क्योंकि वो सॉकेट
अगर तार के द्वारा बड़े बिजली हर घर से जुड़ा हुआ है तो आप सीधे बिजली घर में जुड़ सकते हैं, लेकिन इस सॉकेट को पकड़ लोगे तो आप भी चिपक जाओगे घर से। ऐसे ही आप भगवान में आ सकते नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अगर भक्तों में आ सकते हैं तो फिर भगवान में भी आ सकते हो, आ जाएगी अपने आप। इसी को बोला है कि स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम उपावृतम। हम आसक्ति को नहीं त्याग सकते, आसक्ति तो हम होंगे ही किसी न किसी में, लेकिन अगर वही आसक्ति साधुओं में हो गई तो मोक्ष के द्वार की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, चर्चा का विषय मनुष्य जीवन बनाम पशु जीवन। तो एक भक्त उसको पूरा पढ़ेंगे, आनंद कृष्ण प्रभु पढ़िए पूरा उसको, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए आपको लग सकता है कि हमने चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अपने जीवन में इसको उतारना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये श्लोक जो है आपको भगवद गीता में भी मिल जाएगा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नितस्ताम तितिक्षा भारत। तितिक्षा, टॉलरेंस, तप, इस श्लोक को अप्लाई करना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन। पढ़िए। नियम मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, यह संयम मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। हमें नित्य ही अपने समान व्यवहार में प्रतिबंधों से पाला पड़ता है। हम कानून भंग किए बिना बाएं से कार नहीं चला सकते। अमेरिका में कारें दाईं ओर चलाई जाती है या लाल बत्ती को पार नहीं कर सकते, किंतु यदि कुत्ता सड़क की बाईं ओर चलता है या लाल बत्ती होने पर भी सड़क लांघ जाता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वह पशु है। अतएव मैं गुरुकुल में क्लास दे रहा तो मैंने उनको बोला, आप लोग 10th में हो 9th में हो तो कोई छोटा नर्सरी का बच्चा जिस रूम में बैठा हो अगर वो पॉटी कर दे तो कुछ दंड दिया जाएगा? तो सब हंसने लगे, कहते नहीं दिया जाएगा। हमने कहा अगर आप में से किसी ने पॉटी कर दी तो? कहते हाँ बहुत दंड दिया जाएगा। मैंने कहा क्यों दिया जाएगा? क्योंकि बुद्धि विकसित है। ठीक है, आगे। अतः कानून मनुष्य तथा पशुओं में अंतर करता है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि मनुष्य में उन्नत चेतना है। यदि हम विधि विधानों का पालन ना करें तो पुनः पशुता को प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण गा गा कर नियंत्रित जीवन के विरोध में विज्ञापन किया जा रहा है, लेकिन जो मनुष्य वस्तुओं को यथारूप में देखता है वे जान सकते हैं कि समस्त प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता का अर्थ पशु जीवन है। अतएव सुखदेव गोस्वामी तपस्या की सलाह देते हैं, यदि हम जीवन की समस्याओं से वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें तपस्या का जीवन अपनाना चाहिए। भौतिक जीवन में बंधन इसका एकमात्र विकल्प है। प्रश्न, मनुष्य को संयमित जीवन जीना चाहिए, इसकी उदाहरण के साथ व्याख्या करें। कौन कर सकते व्याख्या? दशरथी प्रभु आप करना चाहते हैं? यस। क्यों, क्या जरूरत है? हमारा मन नहीं करता है। मान लीजिए मुझे गुरुकुल के बच्चे ने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि हमको, हमारा मन तो नहीं कर रहा है तपस्या करने का, और हम तो हमको फोर्स किया जा रहा है, तो क्या ये सही है? हाँ सही है। ओके, थोड़ा माइक पे बोलिएगा। हाँ सही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही जो है विवेकवान है, पशुओं के लिए कानून लागू नहीं होता। जिस प्रकार कोई कुत्ता अगर सड़क को क्रॉस कर जाता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता, लेकिन अगर मनुष्य जो है रेड क्रॉस करता है तो उसे दंड दिया जाता है, क्योंकि उसके पास विवेक है। तो कानून समानता जो है वो मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं। समानता है या केवल? केवल मनुष्य के लिए है। ठीक है। उसी प्रकार जो हमारे धार्मिक नियम है वो हमारे लिए है। ठीक है, अगर हम उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उसको हमें दंड दिया जाएगा। वेरी गुड। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब कोई सुविधा दी जाती है तो उसके संग उत्तरदायित्व भी अपेक्षित होता है। हम लोगों को पास शक्ति है कि हम लोग योग कर सकें। योग का अर्थ है वो क्रिया जो कि असंभव को भी संभव कर सकती है। हम भगवान को पकड़ नहीं सकते अपनी इंद्रियों से, लेकिन योग के माध्यम से पकड़ सकते हैं। भक्ति योग, तो ये भक्ति का योग जो भक्ति का साधन है, इसके द्वारा भगवान को हम पकड़ सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है।
और अगर उसका हमारे शरीर का उपयोग हम इसमें नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। एक ब्राह्मण बड़ा अच्छा मुझे बता रहे थे, कह रहे थे इंद्रियों का व्यर्थ प्रयोग ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे आप कंकड़ लीजिए और पानी में फेंकिए, इससे क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता। तो मानव जीवन में इस प्रकार से कंकड़ लेकर के पानी में फेंकना एक पाप है। बंदर कूदे कादे कुछ भी करे कोई पाप नहीं, लेकिन मानव जीवन में ये करना पाप। तो जब इस तरह की बात बोलेंगे तो लोग, बहुत से लोग बहुत विरोध करेंगे, अरे हम पिक्चर देख रहे हैं, हमारा मन अच्छा होता है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। मानव जीवन मन की शुद्धिकरण के लिए, मन के मार्जन के लिए, और मन का मार्जन होता है जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज़ को ना समझे कोई व्यक्ति तो उसका जीवन बहुत बहुत व्यर्थ जाएगा। ध्यान देना चाहिए इस बात को। और कुछ कहना चाहते हैं आप? एक चीज़ मैंने और बताई थी कि एक बार मैं आगरा के सेंटर से बाहर जा रहा था तो कुत्ते मर गए थे। कैसे मर गए थे? ट्रैक्टर आया, एक पिल्ले को आगे दबा दिया, एक पिल्ले को पीछे वाले पहिए ने दबा दिया। उसने उसके शरीर को उठाया, अपने ट्रैक्टर में डाला, ट्रॉली में, और लेके चला गया। तो क्या ऐसा इंसान के संग किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो उससे हम देख सकते हैं कि इंसान के जीवन को अधिक महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण तभी है जब हम खाली इंद्रिय विषयों के व्यापार से ऊपर उठें। और एक श्लोक बहुत सुंदर आता है, विषय खलु सर्वतः स्यात्। जो विषय भोग हैं वो सब जगह बराबर हैं। इंसान के जीवन में केवल मैं इसको हमें केवल विषय भोग में लगाना नहीं चाहिए। जैसे किसी को टवेरा हो या इनोवा मिल गई हो चलाने के लिए, उसको खेत में ही लगाना चाहिए। भले ही उसमें चार पहिए हैं और 120 bhp है, सोचना चाहिए ना। तो मानव जीवन का समय जो है अधिक से अधिक हमें तपस्या के लगाना चाहिए। और एक और बात मैं समझा रहा था कि देखिए हम इस जगत में तप करते हैं, अब आध्यात्मिक तप छोड़ दीजिए, भौतिक जगत में भी हम तप करते हैं और हमें कोई फोर्स नहीं करता है तपस्या करने के लिए। हम तपस्या इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमें कुछ उच्चतर श्रेय प्राप्त हो। भाई पूरा महीना व्यक्ति मेहनत करता है ताकि कुछ 20-25-50-90 जितना भी है उसको मिले। और बहुत बार लोगों को नौकरी करना नहीं अच्छा लगता, स्पेशली इनको बोल दीजिए कि आपको सैलरी आधी मिलेगी, ये नहीं मिलेगी तो कौन इतनी मेहनत करे। तो यानी कि उसको तपस्या करना ये जगत का नियम है। और ये आपको बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन लोग सोच सकते हैं अरे भक्ति में इतनी तपस्या है, सुबह उठो जप करो क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में तपस्या नहीं है। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि वो रिसर्च करते थे तो रात रात भर जगना पड़ता था। तो कहते अब मैं रात में जग करके भजन कर रहा हूँ, तो कोई अंतर तो नहीं पड़ा, लेकिन लाभ बहुत बड़ा हो रहा है। इसको सिंपल शब्दों में कहेंगे तो इस जगत में कुछ भी आसान नहीं है, सभी के लिए तपस्या रूपी मूल्य आपको देना पड़ता है। यस, उस भौतिक तपस्या जो हम तप करते हैं, भौतिक तप, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, उससे हम किसी व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, खुद को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात में जो है कि हम भगवान को संतुष्ट करते हैं और खुद भी संतुष्ट। जब हमारा हृदय होता है शुद्ध हो जाता है तो उससे भगवान भी संतुष्ट है और हम भी संतुष्ट होते हैं। आज भी यही बात चल रही थी, ये नात्मा सुप्रसिद्धि, भक्ति के द्वारा ही आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती। तो इस तपस्या को करना चाहिए। ओके, धर्म का अर्थ ईश्वर के कानूनों का पालन करना। आज बड़ा अच्छा बात था, श्रीमद् भागवतम की इंग्लिश कक्षा में बताया गया था कि भगवान विष्णु ही सारे धर्म के मूल हैं। और मैं आज विचार कर रहा था कि मूल है का क्या मतलब हुआ। मतलब देखिए, किसी पेड़ का मूल दिखाई पड़ता है क्या? और इस पे आप अप्लाई करेंगे आगे जाकर के, नते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को पता नहीं है कि हमारा जो सच्चा स्वार्थ है वो क्या है, भगवान विष्णु की सेवा करना, क्योंकि मूल नहीं दिखाई पड़ता। और एग्जांपल देखा नहीं है मूली का। हाँ, लेकिन मूली का एग्जांपल क्या था, थोड़ा भूल रहा हूँ क्या था बताया था मूली का एग्जांपल। माइक पे बोलिए। मूली का जो हम रोटी तो खाते हैं वो अंदर ही होता है। मूली अगर जो जो फल है वो उसका तो जड़ ही होता है ना, मूल रूट्स। तो भगवान भी उसी तरह रूट्स हैं, दिखता नहीं है लेकिन। और एक और बात है कि धर्म को, जैसे हम इस जगत इस शहर के कानूनों को हम स्वयं नहीं बना सकते हैं, केवल गवर्नमेंट बनाती है, ऐसे ही धर्म का निर्धारण हम अपने मन से नहीं कर सकते कि हमारे अनुसार धर्म क्या है, जो तुम मान लो वही धर्म है, ये सब नहीं है। और उसके बाद जो ऐसे लोग करते हैं उन लोगों को बाद में बहुत दंड प्राप्त होता है प्रकृति के द्वारा। ओके, हु विल स्टार्ट? मदन मोहन प्रभु आप पढ़ना चाहें। आप ये देख लीजिए, इट्स प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। यदि मानव ईश्वर के कानूनों को नहीं मानता
तो वह पशुतुल्य है सारे शास्त्र तथा सारे। इंटरेस्टिंग है, हम लोग आज यहाँ गौशाला में हैं और नीचे गाय हैं, क्या गायों को जरा सा भी गुमान है, गुमान समझते हैं, आइडिया है कि भगवान कृष्ण है, परम सत्य है? बात बहुत, मैं बोलूँ ना, ये आपको लगेगा कि बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एकदम झिझोड़ देने वाली बात है। कुछ आइडिया गायों को, कुत्तों को, बंदरों को? नहीं। और क्या हो सकता है? नहीं। तो समाज में प्रायः सभी लोग क्या इस प्रकार से नहीं जी रहे हैं? भगवान से हमें क्या मतलब है? सभी लोगों का मैं बोल रहा हूँ प्रायः, क्योंकि कुछ लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन अब तो 99% लोग जो है भगवान के बारे में कुछ चिंतन ही नहीं करते। और इसीलिए हम जब प्रचार कोई व्यक्ति करता है तो लिटरली पशुओं को प्रचार करना पड़ता था। और इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ, आगे प्रपात बता रहे हैं कैसे सारे शास्त्र, एक व्यक्ति को जो पैदा होता है वो पशु की तरह ही पैदा होता है। एक छोटे बच्चे को भगवान के बारे में क्या पता है? आप बड़ा गौर से देखिएगा कि एक छोटा बच्चा और एक पशु में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता है। तो यानी कि अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो पशु की तरह ही रहेगा। अगर आप विचार कीजिए, आपको बचपन से कुछ ज्ञान ना दिया गया होता, सिखाया नहीं गया होता, तो हम लोग बिल्कुल पशु की तरह जी रहे होते। ये बात बहुत गहरी है, एकदम पशु की तरह जी रहे होते, खा रहे हो, मतलब नकोट रहे होते, कुछ ऐसे करके जी रहे होते। हाँ, चलता चलता भी चार पैरों पे है, सही कह रहे। आज ये बहुत स्ट्राइक कर रहा था मुझे बात, कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक छोटे बच्चे को देख रहा था, मैं देख रहा था कि इसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। और प्रभुपाद जी के एक व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम मांस खाना चाहते हो तो अपने बच्चे को मार के खा जाओ, वो भी तो पशु की तरह है, छोटा बच्चा क्या बोलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे इंसान बन करके कर्तव्य बुद्धि से को धारण कर पाता है कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। सारे शास्त्र तथा सारे धार्मिक सिद्धांत मनुष्य को पशुओं के स्तर से मानव स्तर तक उठाने के निमित्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इंसान के स्तर से व्यक्ति पशु के स्तर पर आ गया तो फिर वो उस धर्म को पालन, ये जो भी सो कॉल्ड धर्म पालन कर रहा है वो केवल तथाकथित है, वो सच्चा धर्म नहीं है। क्योंकि उद्देश्य क्या है धर्म का? जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए, एक ट्रेन का उद्देश्य क्या होता है कि इस स्टेशन से उठाकर उस स्टेशन पे ले जाएं, और उल्टा हो जाए तो, या ये कहीं जाए ही नहीं, आप वहीं पड़े हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है बहुत। तो धर्म का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन का मतलब है संयमित जीवन, ये नहीं कि दूसरे गला काटो मारो, ये सब मानव जीवन कतई नहीं। यस, इसलिए धर्म विहीन, इष्ट भावना मृत विहीन पशु तुल्य होता है। यही वैदिक वांग्मय का निर्णय है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग धर्म का आचरण भी अपनी पशु प्रवृत्तियों को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। अरे हम काली जी को प्रसाद खिला रहे हैं, प्रभुपाद जी से समझाते हैं कि बंगाल में ऐसा होता है, वो काली की फोटो रख देंगे, मुर्गा काटेंगे या जो भी काटेंगे, और उसके बाद सोचेंगे कि अरे ये तो काली का प्रसाद हम है। तो वही ढाक के तीन पात, सुना होगा आपने, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इतना सारा कुछ धर्म क्रियम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, दारू पीना है तो भैरव के आगे भोग लगा दिया। तो बेसिकली उनको देवता से मतलब नहीं है, मतलब किससे? अपनी इंद्रिय तृप्ति से। और अपनी ही इंद्रिय तृप्ति से मतलब तो पशु को भी होता है, संयम कहाँ हुआ फिर? यस, आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुनम च, सामान्यमेतद् पशुभिर् नराणाम्, सामान्यमेतद् पशुभिर् नराणाम्, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीनः पशुभिः समानाः, धर्मेण हीनः पशुभिः समानाः। खाना, सोना, मैथुन करना तथा रक्षा करना, ये चार नियम मनुष्य तथा पशुओं में एक समान है। मनुष्य जीवन तथा पशु जीवन में यही अंतर है कि मनुष्य तो ईश्वर की खोज कर सकता है किंतु पशु नहीं कर सकता, यही अंतर है। अतएव ईश्वर की खोज करने की उत्कंठता से विहीन मनुष्य पशुतुल्य है। मैं इस पे सोच रहा था कि क्या ये श्लोक 24 घंटा एप्लीकेशन के लिए है या नहीं है? है ना, क्योंकि हर क्षण हमारे पास दो ऑप्शन है,
कि हम अपना पशुवत व्यवहार करें या फिर मेरे लिए क्या धर्म है उसके अनुसार कार्य करें, है ना। आपको श्लोक बड़ा सिंपल से लग रहा होगा, हम कहेंगे हम तो भक्ति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो पाशविक प्रवृत्तियां हैं वो तुरंत खत्म हो जाती हैं। रह रह करके वो बाहर आती हैं या बाहर आने का प्रयास करती हैं, सर उठाती हैं, तो फिर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि धर्म क्या है और मेरे लिए धर्म क्या है और मुझे उसका आचरण करना चाहिए, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे। और ये पहले के समाज में बहुत अच्छा था कि लोग केवल इसी जीवन को ही सब कुछ नहीं मान लेते थे। थोड़ा विचार कीजिए कि जैसे आप एक छोटे बच्चे को लीजिए, दो बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ रहा है और एक बच्चा खेल रहा है। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी खेलना अच्छा लगता है, लेकिन क्यों पढ़ रहा है? भविष्य के बारे में सोचता है। अब जो व्यक्ति इसी तरह जब वो बढ़ जाता है, नौकरी करता है, बाकी और कुछ परिवार करता है, जो भी कर रहा है, वो ये नहीं सोचता है कि पैसा तुमने अपने बुढ़ापे के लिए तो रख लिया, मृत्यु के बाद क्या करोगे, है ना। तो ये जो टेंडेंसी है फ्यूचर के बारे में सोचने की, ये तो ठीक है, लेकिन ये एक जन्म के बियॉन्ड जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और ये विचार करना चाहिए कि अगले जन्म में शरीर हमें कौन सा मिलेगा, और हो सकता है वो कल जन्म लेने की बारी आ जाए। नहीं, कितना लोग इन्वेस्ट करते हैं ना कि हम पैसा जोड़ेंगे जोड़ेंगे बुढ़ापे के, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हम धर्म जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। ये बात आप विचार कीजिएगा, पैसा जोड़ने में नंबर वन रहते, लेकिन धर्म को जोड़ेंगे इसके बारे में नहीं सोचना है, कि धर्म के पॉइंट्स भी तो इकट्ठे करने चाहिए, है ना। तो श्रेय में लोगों का कोई विश्वास नहीं होता है। बोली बोली, जैसे कोई व्यक्ति लंबे सफर पे जाता है, मतलब कि दो दिन का उसका सफर है और उसने दो दिन के लिए खाने पीने के लिए रख लिया और आगे वो स्टेशन के लिए नहीं जाता है, yes, उसको अच्छा कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? yes, मूर्खता है ना, कि आपने भी सोच लिया चलो हम यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं, तो ट्रेन में दो दिन का खाना पैक कर लिया, अब बॉम्बे में जाने के बाद कहाँ मिलेगा, क्या करोगे, कहाँ खाओगे, कहाँ कोई व्यवस्था के बारे में ना सोचिए, तो मूर्खता है ना। मैं उसको दूसरे से एग्जाम्पल आप ले लेते हैं कि हम कहीं शहर में जाते हैं तो एक रात गुजारने के लिए हम लोग विचार करते हैं कहाँ रुकेंगे कहाँ खाएंगे, लेकिन अगले जन्म में हमें क्या प्राप्ति होगी उसके बारे में कोई व्यक्ति चर्चा नहीं करता है, ये सोचता भी नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं कि होता ही नहीं है। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। दुर्भाग्यवश संप्रति प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक समाज में लोग ईश्वर को भूलना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो खुलेआम कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, अन्य लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो वह मृत हो चुका है। ये क्यों बोलते हैं, कौन बता सकता है? मदन मोहन प्रभु, क्यों बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर मृत हो चुका है या ईश्वर निराकार है? क्योंकि ईश्वर नहीं रहेगा तो उनको इंद्र तृप्ति के लिए कोई। वेरी नाइस आंसर, ईश्वर नहीं रहेगा, ईश्वर का अर्थ ही है कंट्रोलर। गुंडे वाले सब बोलने लगे भाई पुलिस नहीं है, पुलिस तो मर गई है, तो यानी क्या क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं कि हम गुंडागर्दी करेंगे? अब उनके कहने से क्या पुलिस नहीं रहेगी? वो तो बताएगी, जब गुंडा आदमी गुंडागर्दी करता है तो पुलिस दिखाती है, और क्या करना है। तो इस प्रकार से पुलिस भले छोड़ दे या ना छोड़ दे, या पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, लेकिन यमराज जी तो पकड़ते ही हैं ऐसे व्यक्ति को, कर्म का दंड तो मिलता ही है। तो इसलिए ये कहने मात्र से कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर मर गया, ईश्वर तो रहेगा ही, और फिर बाद में व्यक्ति को दंड भी प्राप्त होता है। यस, उन्होंने अनेकानेक गगनचुंबी महलों से युक्त तथा कथित उन्नत सभ्यता को जन्म दे रखा है, किंतु वे भूल जाते हैं कि उनकी यह सारी उन्नति ईश्वर या कृष्ण पर आश्रित है। मानव समाज के लिए यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। ये लाइन समझा सकते हैं मदन मोहन प्रभु? जितनी प्रगति हो रही है ये कृष्ण पे आश्रित है, ये कौन समझा सकता है? आनंद कृष्ण प्रभु। यस, जो ये प्रगति हो रही है इसके लिए देखे तो जो ग्रॉस सामान है वो भी प्रकृति से आ रही है, जो ईश्वर के द्वारा है, और जो हम लोग बुद्धि लगा के कर रहे हैं वो भी बुद्धि भगवान से ही आ रही है। यस, अमेजिंग है कि इतना सब उधार लेने के बाद भी क्या बोल रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन, एक्चुअली एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड। और वास्तवतः आप देखिए कि धरती पे हो या जल पे हो या अग्नि पे हो, भगवान लेबल नहीं लगाते हैं, लेकिन हर जगह लेबल यही है कि क्या, भूमि रापो नलो वायुर खम्मनो बुद्धि रे वचा अहंकारम इति यम में,
बिना प्रकृति श्रद्धा, भगवान एक्चुअली भगवद गीता में इस लेवल को प्रकट कर रहे हैं कि जो भी आप देख रहे हो एलिमेंट उसका निर्माण भगवान ने किया है। कितना अमेजिंग है ना कि हम बैठे, हम सब लोग सभी लोग किराएदार हैं और बैठे भी भगवान की शक्ति के ऊपर है, जी भी भगवान की शक्ति से रहे हैं और भगवान के बारे में व्यक्ति कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहता, और उल्टे हम ये सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति मेरा भरण पोषण कर रहा है, ये करेगा वो करेगा, कोई नहीं कर सकता। पशु धर्म का पालन नहीं करते फिर उन्हें पाप क्यों नहीं लगता, सिर्फ मनुष्यों को ही पाप क्यों लगता है? क्या उत्तर है समुद्र प्रभु? नहीं पता। अनंत कृष्ण प्रभु? पशु को उतनी चेतना नहीं रहती, मतलब उसको पता ही नहीं है। छोटे भाई एग्जाम्पल, छोटे बच्चे को नहीं पता कि यहाँ पॉटी करना अच्छा है बुरा है, कुछ पता नहीं, मगर मनुष्य को इतनी बुद्धि है कि वो समझ। देखिए बहुत ही गहरे लेवल पे हम इसको लेके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे लेवल पे, कि जब आप प्रचार करेंगे बहुत से लोग तो मतलब इसी लेवल पे ही हैं, आपका मजाक भी बना सकते हैं, ए तुम लोग क्या हरे कृष्ण आले आ गए या ऐसे कुछ भी। आपको लग जरूर रहा है कि दो पांव हाथ के हैं, लेकिन एक्चुअली दुर्भाग्यवश उनकी चेतना एकदम पशु की वत रहती है। और आप जब क्लास दोगे और बहुत सिंपल सिंपल बातें होंगी, वो उनको वो भी समझ में नहीं आएगा, और जब आप क्लास देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको ये सिंपल सी बात भी क्यों नहीं समझ में आ रही। प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था और प्रभुपाद समझा रहे थे कि इस प्रकार से शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो वो व्यक्ति इंटरव्यू लेता रहा समझ में नहीं आया, वो सोचा था मैं खाली इंटरव्यू ले रहा हूँ। जब इंटरव्यू बंद हो गया, उसके बाद लाइट भी बंद हो गई प्रभुपाद ने, तो उसने बोला कि अब इंटरव्यू खत्म हो गया। कहते नहीं खत्म नहीं हुआ है, तुमको समझना पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा। वो सोच रहा था कि वो प्रभुपाद का इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद उसको एक बद्धात्मा की तरह देख रहे थे। और जब तक उसके बाद भी आधे घंटा चलता रहा और जब तक उसने स्वीकार नहीं किया गया अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा, तब तक प्रभुपाद उसको समझाते रहे। इसलिए कंपैशन ऑफ अ वैष्णव की समझ नहीं सकता, ये नहीं कि वो बुरा व्यक्ति है, वो इतना आवृत है कि समझ नहीं पा रहा है कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, आध्यात्मिक जीवन भी है, भौतिक रूप से आसक्त है वो व्यक्ति। तो बार बार ज्ञान देना और उनको समझाना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है और बड़े धैर्य के संग आवश्यक है। देखिए जब कोई व्यक्ति दवा लेता है तो उसको धैर्य रखना पड़ता है और डॉक्टर को भी धैर्य रखना पड़ता है, नहीं? इसीलिए भगवान ऋषभदेव बोलते हैं पांचवें स्कंद में कि जो गुरु है वो अपने शिष्य को जो आज्ञा देता है वो पालन ना कर पाए तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहता है, बहुत बार वो करने में योग्य भी नहीं होता, मतलब शक्ति ही नहीं होती कि वो कर सके। हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, एक पैराग्राफ एक्चुअली लंबा है, उसकी चर्चा हम लोग फिर भगवान ने चाहा तो कल करेंगे। शील स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय।